RJD leader and former Bihar Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav has criticized the Nitish Kumar government after the fifth bridge collapsed within 9 days in Bihar. The latest bridge collapse has been reported from the Bheja police station area in Madhubani district, located in the northern part of the state along with the border with Nepal. The collapsed bridge has been under construction for over 2 years now. A report also stated that officials responsible for the construction of the building have confirmed that one of the pillars had in fact been washed away a few days ago. So of course that's the latest coming in at this point of time. My colleague Shakti with us on the broadcast to give us more details on this. Shakti, of course, Tejaswi Yadav has now slammed the Nitish Kumar government over a string of bridges that have collapsed in the last 9 days, the most recent one being the bridge that collapsed in the Madhubani district. If you could take our viewers through the latest developments that are coming in at this point of time as far as the bridge is concerned, as well as the political war of words. जी बिल्कुल, देखिए बिहार में पिछले 11 दिनों के अंदर जो है 5 जो ब्रिज थे वो कलेक्ट कर गए हैं, और इसी को लेकर जो है विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है सोशल मीडिया एक्स पर जो है एनडीए सरकार, जो बिहार से लेकर केंद्र में दोनों जगह एनडीए की सरकार है, उस पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि जो सरकार है जो एनडीए की, जो लगातार बिहार में जंगल राज, जब लालू प्रसाद उनके पिता की जब सरकार थी बिहार में उस उनकी सरकार दौरान, और जब जेडीयू के साथ आरजेडी, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उस समय की सरकार को जंगल राज के बारे में लगातार बोलते रहती है। लेकिन बिहार में जिस तरह से 11 दिनों के अंदर जो पुल गिरे हैं, 5 पुल क्लब्स किए हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जंगल राज नहीं तो क्या मंगल राज है। उन्होंने तीखा हमला बोला है एनडीए सरकार पर, कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक में जो है एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद बिहार में जो पुल हैं उनका गिरना लगातार जारी है। और देखिए जिस तरह से मानसून अभी बिहार में कुछ ही जगह एक्टिव हुआ है, लेकिन जो नदियों का जलस्तर है जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें निर्माण कार्य, जो पुल का जो निर्माण चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कई पुलें हैं जो गिर रही हैं। तो बड़ा यह सवाल है कि क्या इन पुलों के में जो मटेरियल लगना चाहिए था, जो क्वालिटी थी पुलों की बनने में, क्या उन क्वालिटी को, गुणवत्ता को के मानक पर खरी नहीं उतर रही थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को लेकर नीतीश कुमार की, जो केंद्र से बिहार में है और जो केंद्र में भी नीतीश कुमार अब सरकार जो है भागीदारी में है, तो ऐसे में दोनों सरकारों पे बड़ा हमला बोला है। जी फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।